Hello everyone. Today we will go through a new lesson from the book First Flight and the name of the lesson is Two Stories About Flying. आज हम लोग एक new lesson पढ़ेंगे जिसका नाम है Two Stories About Flying and which contains two part. First one is First Flight and the second one is Black Aeroplane. जो दो part में है जिसका पहला part है his first flight और दूसरा part है Black Aeroplane. So we go through first one is his first flight. So before you read, since the earliest times humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. कह रहा है कि मतलब सालों से जो है जो इंसान का जो ड्रीम है जो मानव का जो ड्रीम है उसका क्या ड्रीम है कि वो जो आकाश है उस पर वो कॉन्कर कर सके कब्जा कर सके विजय हासिल कर सके और उससे रिलेटेड जो है हम लोग को दो स्टोरीज पढ़ने के लिए दिया गया एंड वी हैव टू गो थ्रू टू स्टोरीज रिलेटेड टू कॉन्करिंग ऑफ द स्काइज. फर्स्ट वन इज अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर. And the second one is a pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? अब कह रहा है सेकेंड वाला क्या है कि एक पायलट है जो स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया है खो गया है क्या वो सही सलामत पहुंच पाता है बच पाता है और उसको कौन मदद करता है. So now we go through the first one which is the a young seagull. So now I am going to start. But before starting the chapter, I want to ask you something that Have you remembered that how you started to take a single step to walk or a run? कि आप लोग में से किसी को भी याद है कि जैसे जैसे आप बड़े होना शुरू हुए थे तब आपने पहला स्टेप कैसे लिया था आप जो है वो चलना कैसे शुरू किए थे या दौड़ना कैसे शुरू किए थे. तो आप लोग के पास बहुत सिंपल सा आंसर होगा कि पहले आप रेंगना शुरू किए क्रॉल करना शुरू किए घुटनों के बल और क्या कहते हैं नी और एल्बो की मदद से. उसके बाद आपके लिए आया होगा बहुत कम ही आप लोगों में से भी मिला होगा कि एक इसको बोलते हैं ना बाइसिकल यू हैव गॉट अ बाइसिकल विच इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक या फिर आप एक सर्कुलर वाला आता है जिसे बच्चे को बिठा देता है उससे बच्चा जो धीरे धीरे चलते चलते सीख जाता है. सो इन द सेम वे हिज फर्स्ट फ्लाइट विच इज़ रिलेटेड टू द यंग सीगल और अ यंग सीगल In which the parents of young seagull is trying to make the young seagull fly. इस स्टोरी में भी यही है कि एक यंग सीगल है उसके माता पिता जो है उसको उड़ना सिखाना चाहते हैं और वो जो है उड़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसको जो है अपने पंखों पे विश्वास नहीं होता है. वो सोचता है कि जैसे ही वो उड़ना शुरू करेगा वो गिर जाएगा जिसके वजह से वो मर सकता है और इसलिए जो है वो उड़ना नहीं चाहता है. एंड आफ्टर दैट हाउ द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल मेक द यंग सीगल टू फ्लाई और फिर कैसे जो है जो उसके पेरेंट्स जो हैं उसको कैसे उड़ने के लिए बताते हैं ये हम लोग क्या करेंगे आगे इस स्टोरी में देखेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट हाउ वी स्टार्टेड आवर रनिंग और वॉकिंग जस्ट By taking a single step, हम लोगों ने छोटे छोटे steps को लेकर के चलने के लिए सीखा और उन्हीं छोटे छोटे steps को चलते 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 आज हम लोग बहुत दूर तक पैदल चल सकते हैं kilometers में भी जा सकते हैं. आप लोग तो शायद meter में जाओगे but I can walk through kilometers. But whatever. So we can say that the journey of a thousand miles began with a single step. कि जो हम लोग miles तक की journey को जो complete करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है. कि अगर हम एक कदम को आगे बढ़ा लेते हैं तो फिर हमारे अंदर अपने आप करेज आ जाता है. वी गॉट द करेज टू वॉक फ्रीली और इंडिपेंडेंटली और फिर हम लोग को जो है चलने के लिए दौड़ने के लिए जो है हमारे अंदर शक्ति आ जाती है क्षमता आ जाता है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आत्मविश्वास आ जाता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. सो फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट Flight. The young seagull was alone on his lease. His two brothers and his sister had already flown away the day before. Now, as the story begins, this story begins with that the young seagull was alone on his lease. ये स्टोरी में यहाँ पे जैसे स्टार्ट हो रहा है तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जब जैसे पक्षियों के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें जो उनके पेरेंट्स होते हैं उड़ने के लिए सिखाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ यू हैव ऑल्सो सीन दैट बर्ड्स आर ट्राइंग टू
मेक दियर बेबीज फ्लाई। और आप लोगों में से बहुत सारे ने देखा भी होगा कि जो पक्षी है वो अपने बच्चों को क्या कर रहा है, उड़ने के लिए सिखा रहा है, चाहे बहुत कम भी आप लोगों में से देखा होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ वैसा ही है कि एक यंग सीगल है जो लेज मतलब होता है कि आप देखे होंगे कि मतलब चट्टान का एक किनारा निकला हुआ होता है, बहुत पतला सा होता है। आई कैन शो यू द फिगर, देन इट विल बी वेरी क्लियर। सो दिस इज क्लिफ, आप देख सकते हो कि ये जो चट्टान है, ये जो पहाड़ का जो पार्ट है वो इतना क्या है, निकला हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेज कहते हैं, लेज या क्लिफ्स। सो नाउ आई थिंक द मीनिंग ऑफ द लेज और द पिक्चर ऑफ द लेज हैज बीन क्लियर टू यू। सो जो यंग सीगल था वो क्या था, लेज पे अकेला था, बाकी सारे और उसके जो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसके जो दो भाई और जो बहनें थे वो ऑलरेडी फ्लोन अवे, मतलब वो उड़ चुके थे द डे बिफोर, मतलब वो उड़ने के लिए सीख चुके थे ठीक एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसको जो है अपने भाई बहनों के साथ उड़ने में डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempted to flap his wings, he became afraid. अब आपने जैसे वहाँ पे क्लिफ देखा था, तो आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि somehow when he had taken a little run, कि जैसे भी करके उसने एक छोटा सा रन लिया, कि मतलब जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग को जंप करना हो तो हम लोग दूर से दौड़ करके आते हैं और फिर वहाँ से जंप लगाते हैं। तो इन द सेम वे जो यंग सीगल है, जो उसके जो सिबलिंग्स थे, जैसे वो सीख रहे थे कि दूर से दौड़ करके आना है और फिर जैसा कि यहाँ पे ये जो क्लिफ है कि मतलब इधर से दौड़ के आना है और फिर यहाँ से उड़ जाना है, तो जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू होगा तो वो उड़ना शुरू हो जाएगा। तो जो यंग सीगल था वो भी क्या था, उसने कैसे भी करके अपने करेज को हिम्मत जुटाया, कॉन्फिडेंस जुटाया और यहाँ से वो दौड़ करके ब्रिंक, ब्रिंक मतलब किनारे पे वो आया। उसके बाद क्या हुआ कि लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स एंड बिकम अफ्रेड। अब जैसे ही वो उस किनारे पे पहुंचा, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, वो क्या हो गया, डर गया। द ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब वो क्यों डर गया, क्योंकि जैसे ही वो नीचे आया तो नीचे उसको क्या दिखता है, आप जैसे यहाँ से देख सकते हो कि ये बहुत नीचे है, तो नीचे इसके क्या होंगे, बहुत सारा एरिया होगा, या तो वैली होगा या तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे। अब जहाँ पे यंग सीगल जिस लेज पे खड़ा था, जिस क्लिफ पे खड़ा था, उसके नीचे क्या था, अथाह समुद्र था, खुला समुद्र, मतलब बहुत बड़ा समुद्र, तो ऐसे ही बड़ा ही होता है, मतलब नीचे बहुत समुद्र, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े एरिया में समुद्र फैला हुआ था। अब जिसको देख करके वो क्या हो गया, डर गया। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, वो सोचता है कि कितना नीचे है वो, माइल्स डाउन मतलब बहुत नीचे है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके जो पंख हैं उसका मदद नहीं करेंगे, उसको सहायता नहीं करेंगे, उसको हेल्प नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस वेयर ही स्लिप्ट एट नाइट। उसको अपने पंखों पे विश्वास नहीं था, उसको लगता था कि जैसे ही वो वहाँ से जंप लगाएगा उस क्लिफ से, उस ब्रिंक से, वो क्या होगा, गिर जाएगा उस अथाह समुद्र में, जो नीचे समुद्र जो फ्लो हो रहा है, जो उसमें जाके वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए वो दौड़ के जाता तो है बट वहाँ से किनारे पे अपना मुंडी घुमा के फिर वापस आ जाता है। और कहाँ चला जाता है, बैक टू द लिटिल होल। अब उस लेज के में जो क्लिफ था, उस क्लिफ में कहीं पे एक छोटा सा होल था जहाँ पे वो लोग रात में सोते थे, वो वहाँ पे चला जाता है दौड़ करके वापस। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट। अब क्या कह रहा है, इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, कि उसके जो उससे जो छोटे भाई बहन थे जिनके पंख उससे छोटे थे, वो ब्रिंक तक दौड़ के गए, अपने विंग्स को फ्लैप किया और क्या हो गए, उड़ गए। लेकिन ये जो था वो करेज को जुटा नहीं पाया, अपने करेज को गैदर नहीं कर पाया, किस लिए, उड़ने के लिए, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और इसलिए वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा परेशान था, काफ़ी ज़्यादा उदास था। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stop on his legs unless he flew away. But for the life of him, he could not move.
Now it is saying what? That he was scolded by his parents for not trying again. But he was so afraid that he could not even move. अब आगे क्या बता रहा है कि जो उसके माता पिता थे उन्होंने उसको क्या किया, सरली मतलब बहुत तेज आवाज में उसको क्या किया, बहुत डांटा, डराया, धमकाया और उन्होंने क्या कहा कि तुमको जो है भूख स्टा मतलब होता है भूखे मरने की, हम मतलब तुमको जो है उसी लेज में जो होल था वहीं पे तुमको क्या किया जाएगा, भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा अगर तुम दोबारा नहीं उड़ोगे, दोबारा फ्लाई नहीं करोगे, मतलब दोबारा तुम कोशिश नहीं करोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के लिए क्या है वो मूव नहीं करता, उस होल में पड़ा रहता है। दैट वॉज 24 hours ago। अब ये सब जो कहानी थी वो 24 घंटे पहले की कहानी थी। सिंस देन nobody had come near him, और तब से जो है उसके पास अब कोई भी नहीं आया था इस 24 घंटे में। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू ड्राइव फॉर फिश। अब कह रहा है कि 24 घंटे बीत चुके थे उससे, उसके बाद उससे कोई मिलने नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग मतलब तब से लेके जो मतलब क्या हुआ, द डे बिफोर मतलब उसके जो माता पिता मतलब उसको अकेले छोड़ दिए थे एक दिन पहले से, और उसके जो माता पिता थे, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स मतलब वो पूरे दिन क्या देखते रहा कि उसके जो माता पिता है उसके सिबलिंग्स को क्या कर रहे हैं, परफेक्ट करने में लगे हुए हैं कि उड़ते कैसे हैं, और स्कीम मतलब क्या होता है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, कि जैसे पानी के सरफेस के ऊपर, पानी में टच नहीं होना है। द यंग सीगल शुड नॉट touch or may not touch the water, but how to fly above the surface of the water, कि पानी के ऊपर रह करके टच नहीं करना है, जैसे किसी कोई भी सरफेस हो सरफेस के ऊपर, ऐसे सरफेस के ऊपर उड़ना, तो वो उन्होंने उसको सिखाया। स्कीम का मतलब होता है सरफेस के ऊपर उड़ना, यहाँ पे आप देख सकते हो to move slightly just above the surface। ऐसा क्यों कि सरफेस के ऊपर उड़ना, आसमान में क्यों नहीं। हाउ टू डाइव फॉर अ फिश, क्योंकि जब तक वो सी के ऊपर नहीं उड़ेंगे दे कैन नॉट लुक फॉर अ फिश, तो उनको जो फिश है वो मिलेगा नहीं, और जब फिश नहीं मिलेगा तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। तो पहले उसको क्या, उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई, उड़ने की ट्रेनिंग दी गई, फिर क्या ट्रेनिंग दी गई कि पानी के ऊपर जो है एक लाइट फ्लाइट में मतलब बहुत धीरे धीरे कैसे उड़ना है, और फिर कैसे जो है मछलियों को क्या करना है, पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसके जो बड़ा, उसका जो बड़ा भाई था उसने क्या किया, हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग मतलब अ सॉफ्ट फाइंड सी फिश, एक सी फिश है जिसका जिसका नाम क्या है, हेरिंग। नाउ एज यू कैन सी दैट दिस इज हेरिंग फिश, तो मतलब जो उसके बड़े भाई थे उसके जो बड़े भाई थे उसने क्या किया, उसने अपने पहले फ्लाइट में, उसने पहले मतलब पहले फ्लाइट में नहीं, उसने अपना पहला शिकार किया किसका, हेरिंग का, और उसको क्या किया, डिवोर मतलब होता है खाना, खाया कहाँ, रॉक पे, एक चट्टान के पास बैठ करके। और जबकि जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उस सर्कल अराउंड रेजिंग मतलब उसके चारों तरफ जो है उसको अप्रिशिएट किया मतलब सेलिब्रेट किया उसके सक्सेस को। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with coward eyes. अब कह रहा है कि all the morning, अब कह रहा है कि पूरे सुबह जो था उसके पूरे परिवार जो थे वो कहाँ चले गए, एक big plateau पे चले गए, midway down मतलब ठीक बीच में नीचे की ओर था और cliff के opposite side, और पूरा दिन जो है उसको क्या करते रहे, चिढ़ाते रहे, डांटते रहे उसकी कायरता के लिए, उसके नाकामी के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। अब कह रहा है कि जो सन था असेंडिंग मतलब आसमान की ओर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग कहने का मतलब हुआ था जलना, मतलब जैसे जैसे सन बढ़ रहा था तो उसका जो हीट था वो क्या था, लेज पे बढ़ रहा था। That faced the south. अब जब सन का लाइट जो है वो किधर की ओर आ रहा था, साउथ की तरफ आ रहा था। That faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब कह रहा है कि वो जो है वो उस गर्मी को महसूस कर सकता था
क्यों? क्योंकि उसने जो है वो खाना जो है पिछले रात से नहीं खाया था। मतलब उड़ने का जो स्टोरी था वो एक दिन पहले का था, और जैसे ही मॉर्निंग हुआ, उस मॉर्निंग में उसको क्या हुआ, उसको उसने उन सारी बातों को रियलाइज़ किया, उसने बताया, मतलब वो अपने आप को कह रहा है। फिर उसने क्या देखा कि उसके जब उसका जो बड़ा भाई है वो क्या किया, उसने फर्स्ट अपना डिवोर किया, फर्स्ट हेरिंग को डिवोर किया, उसके माता पिता सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसको पूरे दिन जो उसको क्या किया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है। He stepped slowly out of the brink of the lake and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. अब आगे क्या बताया जा रहा है कि he stepped slowly out of the brink of the lake, कि जो उसका किनारा था उससे थोड़ा वो बाहर आया जहाँ वो सो रहा था, और उसने क्या किया कि स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हो गया और एक पैर को अपने पंखों के अंदर छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर लिया और फिर दूसरा, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने जो है सोने का क्या किया, नाटक किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और फिर भी जो है उसके तरफ उसके परिवार वालों ने कोई फिर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. अब आगे क्या कर रहा है कि उसने क्या देखा कि उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो बहन है वो क्या है, प्लेट्यू पे डॉजिंग, डॉजिंग मतलब ऐसे उंगना उंगना करने का मतलब, वो सो रहे थे प्लेट्यू पे। देयर हेड संक इन टू देयर नेक्स, अब उनका जो हेड था, हेड संक इन टू दियर नेक्स, मतलब उन्होंने क्या किया था कि अपने हेड्स को मोड़ करके गर्दन तक मतलब छिपा लिया था। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, अब उसके जो पिताजी थे वो क्या कर रहे थे, पंखों को साफ कर रहे थे। किसके पंखों को साफ कर रहे थे, उसके पिताजी अपने पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी जो माँ थी वही जो थी उसके तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. अब कह रहा है कि उसकी जो माँ थी वो कहाँ खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी, little high hump on the plateau, कि plateau के उठे हुए भाग पे वो क्या थी, खड़ा थी। कौन खड़ा थी, यंग सीगल की माँ। Her white breast thrust forward, और उनका जो white breast था वो आगे की ओर था। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब आगे क्या कह रहा है कि उसकी जो माँ थी वो हर बार क्या करती थी, she tore at a piece of fish, जो मछली का टुकड़ा होता था उसको क्या करती थी, तोड़ती थी। fish that lay at her feet, जो कहाँ था, उनके पैर के पास पड़ा हुआ था। और आगे क्या कह रहा है कि then scraped each side of her beak on the beak, और उसके जो दोनों साइड जो उसके मतलब उसकी जो माँ थी और उनका जो बिक था और बिक के जो दोनों साइड हैं उसको मतलब रॉक पे क्या कर रहे थे, स्क्रैप कर रहे थे, घिस रहे थे सार्पेन करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जो वो खाने का जो सीन था, जो वो मछली का टुकड़ा देखा उसको पागल कर दिया। पागल किस लिए, पागल खाने का मतलब ये नहीं कि उसको पागल खाने की ज़रूरत था, मतलब उसका भूख जो था वो और बढ़ गया था। वह कहने का मतलब है वो पहले तो एक दिन से भूखा था, उसके बाद क्या देखा कि उसका जो भाई बहन है वो अपने मम्मी पापा के साथ है, मम्मी पापा के पास है, और वो उसको अकेला छोड़ दिया है, उसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और उसके बाद उसने क्या देखा कि सब खाए जा रहा है, उसको किसी ने नहीं किसी ने खाने के लिए नहीं बुलाया, सब ने सिर्फ उसकी माँ खा रहे थे, इसलिए वो खाने को देख करके क्या हो गया, पागल जैसा हो गया। पागल जैसा कहने का उसको जोर से और भूख लग गई। हाउ ही लव टू टियर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब कह रहा है कि उसको हाउ ही लव, उसको कितना ज़्यादा मज़ा आता था खाने को फाड़ने में, चीड़ने में। फाड़ने और चीड़ने कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको जैसे उसको रोटी मिला तो उसको फाड़ चीड़ के फेंक देना, नहीं, क्योंकि फिश है और फिश को टेयर करके ही खाते हैं। सो इस तरह से जो यानी बर्ड्स होते हैं, दे यूज टू ईट द फिश और द मीट बाय टेयरिंग इट, सो दैट्स वाई ही लव टू टेयर द फूड इन द वे दैट हिज मदर वॉज टियरिंग, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसकी माँ जो थी वो तोड़ करके खा रही थी। स्क्रैपिंग इज वीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट,
अब कह रहा है स्क्रैप मतलब बार बार अपने बिग को घिसना, उसको तेज करने के लिए, ताकि जो फिश का टुकड़ा है वो क्या हो जाए, आसानी से कट जाए। गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सब फूड। अब ये जो है वो सीगल की आवाज है, उसने चिल्लाया, और बेगिंग मतलब वो मांग रहा है खाना। किससे मांग रहा है खाना? अपनी माँ से मांग रहा है। गोकुला सी स्क्रीम्ड बैक डेसिवली। अब कह रहा है उसकी माँ ने भी क्या किया, एक साउंड प्रोड्यूस किया, मतलब चिल्ला मतलब बोला डेरिसिवली। अब डेरिसिवली का मतलब क्या होता है कि इन अ मैनर सोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड, कि इस तरह से सो करना, इस तरह से इंडिकेट करना कि जैसे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, बेवकूफ है, बेकार है, मूर्ख है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन उसने क्या किया, जो खाने मांगने का, उस जो उसका खाना मांगना था उसने क्या रखा, चालू रखा। प्लेंटिवली कहने का मतलब होता है सैड, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। अब कह रहा है कि कुछ देर के बाद, मतलब उसने तो पहले से मतलब बहुत ही उदासी के साथ खाना मांगते रहा, और कुछ देर के बाद आफ्टर अ मिनट उसने क्या किया, एक जॉयफुल स्क्रीम, मतलब जॉयफुल स्क्रीम कहने का मतलब क्या हुआ कि आनंद भरा एक आवाज जो है उसने निकाला। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। वो क्यों खुश हो गया, क्यों, क्योंकि उसकी जो माँ थी उन्होंने क्या किया, एक मछली का टुकड़ा ले करके उसकी ओर चली आ रही थी। कौन चली आ रही थी, उसकी माँ, किसके तरफ, यंग सीगल के तरफ। क्या लेकर के, मछली लेकर के। चिल्लाया कौन खुशी से, यंग सीगल। Why? Because he thought that his mother was bringing him a piece of meat. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब कह रहा है उसने क्या किया कि अपने जो वहाँ वो जिस जगह पे वो बैठा था वहाँ से वो बाहर आया उत्सुकता से, मतलब टैपिंग मतलब थोड़ा सा रॉक को मतलब चलने से जो आवाज़ होती है उसको किया फिट से, और अपनी माँ के पास नज़दीक जाने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर के आ रही थी और उसको भूख भी लगा हुआ था, इसलिए वो तेज़ी से जो है अपनी माँ की ओर बढ़ा। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हॉल्टेड। अब ठीक जैसे ही उसके पास पहुँचने वाले थे, उसके अपोजिट साइड में थे, वो आकर के रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, जो उनकी माँ के जो विंग्स थे जो उड़ रही थी वो क्या हो गया, मोशनलेस, मतलब कोई मोशन नहीं था उसमें। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, मतलब बहुत नज़दीक आ गए थे, बस उसके मुंह में डालने ही वाले थे, लेकिन उसकी माँ क्या हो गई, रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। अब वो क्या हो गया, आश्चर्य में, कुछ देर के लिए आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ कि उसकी जो माँ है उसके लिए उतना दूर से लेकर के खाना आई और फिर बीच में आकर के रुक गई। ही वेटेड वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन, और उसने तब क्या किया, वो भूख से पागल था इसलिए वही जो है वो खाने पर क्या हुआ, टूट पड़ा, छलांग लगाया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब सिचुएशन कुछ ऐसा रहा होगा कि जो क्लिफ होगा उसकी माँ क्लिफ के पास आकर के खड़ी हो गई होगी, और उधर से क्लिफ के किनारे के, और उधर से जो सीगल है वो आया होगा उड़ करके, और जैसे ही वो उड़ करके आया होगा देखा उसकी माँ रुक गई है, लेकिन सोचा कि वो खाना ले लेगा, और जैसे ही उसने खाना लेने की कोशिश की खाना उसके मुंह में नहीं आया और वो किनारे से कहाँ आ गया, स्पेस में गिर गया। स्पेस में कहने का मतलब था वो जो ब्रिंग था, जो लेज था वो नीचे की ओर, लेज के ब्रिंग से नीचे की ओर गिर गया। अब कह रहा है कि एक बहुत तेज आवाज के साथ वो चिल्लाते हुए, मतलब जो है वो किचन आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स कहने का मतलब वह ऊपर नीचे जो है वो स्पेस में होने लगा। स्पेस मतलब ऐसे तो आसमान से ऊपर होता है, बट स्पेस यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं था, बहुत नीचे जा करके सी था। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर monstrous terror seized him and his heart stood still। अब कह रहा है कि आगे जो है then monstrous terror, तब monstrous terror का मतलब क्या, एक बहुत बड़ा डर जो है seized him, मतलब उसको jammed कर दिया, freeze कर दिया।
एंड हिज हर्ड स्टूड स्टिल, और उसका जो हर्ड था वो इससे रुक गया, कि जैसे कहने का मतलब है ना कि अचानक से कोई गिर जाए तो कैसा लगेगा, सेम इन द सेम वे ही वॉज फीलिंग, उसको भी ऐसा ही महसूस हो रहा था. ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बट ये सारी जो चीज़ें थी वो कुछ देर तक ही चली. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही मोमेंट जो उसको महसूस हुआ कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ खुल रहे हैं. द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. अब जो हवा जो थी वो क्या हो रही थी, उसके जो ब्रेस्ट था, अब जैसे वो क्या उड़ रहा है आसमान में, सो इफ ही इज फ्लाइंग इन द एयर देन वाट हैपन, द विंड ब्लो हिम इन द अपोजिट साइड. जो विंड होगा उसको क्या करेगा, अपोजिट साइड में ब्लोज करेगा. जब अपोजिट साइड में ब्लोज करेगा तो क्या होगा, उसके चेस्ट से टकराएगा. तो इन द सेम वे जो हवा था वो उसके क्या कर रहा था, पंखों से टकरा रहा था, उसके स्टमक के नीचे से जा रहा था, उसके पंखों के विपरीत जा रहा था. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, कह रहा है कि वो महसूस कर सकता था कि उसके जो विंग्स हैं जो एयर को क्या कर रहे हैं, एयर से कट हो रहे हैं. अब एयर से कट हो रहे हैं कहने का मतलब है कि एयर को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो जो है वो नीचे की ओर नहीं गिर रहा था. हेड लॉन्ग लॉ कहने का मतलब होता है कि पूरा जो उसका सिर था वो नीचे की ओर था, वो नीचे गिरे ही जा रहा, ऐसा कुछ नहीं था. नाउ ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, और सोरिंग मतलब होता है ऊपर नीचे, मतलब गोता लगाना. कि वो जो अब क्या कर रहा था कि ऊपर नीचे जो है वो धीरे धीरे गोता लगा रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको बिल्कुल भी भय नहीं था, अब वो जो उसका भय था वो खत्म हो चुका था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, डीजी कहने का मतलब होता है कि सपोज करो अगर आपका कोई हाथ पकड़ के, बचपन में आपने खेला होगा कि दो व्यक्ति हाथ पकड़ लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को घुमाते हैं तो थोड़ा सा चक्कर जैसा आ जाता है. तो इन द सेम वे जो है उसको थोड़ा बहुत क्या आ रहा था, डिजनेस आ रहा था, चक्कर आ रहा था. अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, अब इसे कहने का मतलब है ना कि आपका हाथ पकड़ के घुमा दे और फिर बीच में छोड़ दे तो आप इधर उधर गिरना शुरू हो जाते थे. तो इन द सेम वे उसको भी थोड़ा बहुत डिजनेस आ रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, अब तब उसने क्या किया, अपने पंखों को फ्लैप किया, मतलब फड़फड़ाया, और फिर से जो है वो ऊपर की ओर उड़ा. गा गा गा, मतलब ये सारे जो साउंड्स है वो किसके साउंड्स है, सीगल के साउंड है. हिज मदर सुप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, अब कह रहा है कि उसकी जो माँ थी उसने क्या किया, उसके पास से अपने विंग्स को फ्लाई किया एक तेज आवाज में. ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और फिर उसने क्या किया, उस आवाज का क्या किया, आंसर दिया. ये सारे साउंड किसके थे, इसकी माँ के थे. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके जो पिताजी थे उसके ऊपर से चिल्लाते हुए उड़े, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं. नाउ ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड स्वरिंग एंड डाइविंग, और उसने क्या देखा कि उसके जो दो भाई थे और उसके जो सिस्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उड़ रहे थे. करवेटिंग, करवेटिंग मतलब लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब जैसे एक घोड़ा करता ना टिक टिक, ठीक उसी तरह से वो भी कर रहे थे. एंड बैंकिंग, बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, मतलब एक विंग ऊपर और एक विंग नीचे, कुछ इस तरह से जो है वो क्या कर रहे थे, हवा में गोते लगा रहे थे, उड़ रहे थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve shrieking shrilly. अब कह रहा है कि वो इस बात को भूल चुका था कि वो कभी उड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने पहले मन बना लिया था कि अब वो तो उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे वो उड़ने के लिए जाएगा वो आसमान में, सॉरी नीचे की ओर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. And commanded himself to dive, और अपने आप को उसने क्या किया, कमांड किया, अपने आप से वो निर्णय लिया, क्या लिया कि वो भी क्या करेगा, कर्व करेगा, स्ट्रिक मतलब जो भी एक बर्ड का गोता लगाना, ऊपर जाना, ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं उसको उसने कमांड किया कि वो सारा वो करेगा. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो जो था मतलब अब ऊपर से धीरे 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 क्लिफ से नीचे आ चुका था, वो समुद्र के नज़दीक था. Flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब कह रहा है कि उसके ठीक ऊपर की ओर वो क्या कर रहा था, उड़ रहा था. Facing straight out over the ocean, अब ओशन उसके ठीक सामने था. He saw a vast green sea beneath
हिम। अब उसने अपने नीचे क्या देखा, एक बहुत बड़ा समुद्र देखा, विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉर्ड अम्यूज्डली। अब उसने नीचे क्या देखा था कि एक बहुत बड़ा समुद्र देखा था, वो समुद्र किस कलर का था, ग्रीन कलर का था, विथ लिटिल रेजेस मूविंग ओवर इट। रेजेस मतलब जो पानी की जो धारा होती है, जो लहरें होती है, जो तरंगे होती हैं। अब उसमें क्या था कि जो छोटे छोटे जो तरंगे थी वो उठ रही थी। अब उसने वहाँ से क्या किया, ही टर्न हिज बीक साइडवेज, वहाँ से वो साइडवेज हो गया और कॉर्ड अम्यूज्डली। कॉर्ड जो है, कॉर्ड इज अ साउंड प्रोड्यूस बाय द वर्ड्स, जो वर्ड्स के द्वारा प्रोड्यूस कर किया गया एक साउंड है जो बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे काव काव कहते हो ना, इन द सेम वे। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके जो माता पिता थे, उसके जो भाई थे, उसकी जो बहन थी, उनको जो है उस सी पे, ग्रीन फ्लोरिंग किसको कहा जा रहा है, सी को, उस पर उनको लैंड करना भी आता था। अब लैंड करने का आने का मतलब है कि अपने पैरों से, हल्के पैरों को पानी में डुबा करके उसके ऊपर उड़ना या चलना। दे वर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग सिरली। अब वो लोग क्या कर रहे थे, उसको बुला रहे थे, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था कि रिजेस को देख करके वहाँ से साइडवेज फिर वापस मुड़ गया था, इसलिए उसके जो माता पिता थे, जो उसके भाई बहन थे, सब उसको वापस क्या कर रहे थे, बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने क्या किया, अपने पैरों को उस ग्रीन सी में स्टैंड करने के लिए नीचे किया। हिज लेग्स सैंक इन टू इट। अब जैसे उसने अपने पैर को नीचे किया, उसके जो पैर थे उस पानी में, उस ओशन में क्या हो गए, डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। अब कह रहा है उसने क्या किया, दोबारा से चिल्लाया डर से, और उसने कोशिश की कि अपने आप को ऊपर उठाए पंखों को फड़फड़ा करके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। अब कह रहा है कि उसने ऐसा कोशिश तो की, बट वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और उस भूख से बहुत कमज़ोर भी हो चुका था, इसलिए वो नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और उसने जो ऊपर नीचे गोता लगाना सीखा इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, बहुत थक चुका था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर। अब उसने क्या, अब आगे क्या हुआ कि उसके जो पैर थे वो ग्रीन सी में चले गए। उसका अब पैर जब ग्रीन सी में चला जाएगा तो उसका जो बेली था, जो उसका पेट था, उस किस में टच हुआ, सी में टच हुआ, लेकिन एंड ही सैंक नो फार्दर। उसका बेली जो था, पेट जो उसका था, ओशन सॉरी सी में टच होने के बाद फिर वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब उसके ऊपर वो तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब कह रहा है क्या कि उसके ऊपर तैरने लगा, उसके चारों तरफ जो उसके फैमिली थे वो खुशी से चिल्ला रहे थे, उसके इस फ्लाइट को एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम। अब उन लोगों के जो बीक्स थे उसको क्या दे रहे थे खाने के लिए, डॉग फिश दे रहे थे। वॉट इज डॉग फिश, सो दीज आर द डॉग फिश। तो उसके जो यंग सीगल के जो फैमिली थे वो उसको क्या दे रहे थे, डॉग फिश खाने के लिए दे रहे थे। डॉग, ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने जो है अपना पहला फ्लाइट उड़ लिया था। सो दैट वॉज इन द लेशन। तो इस लेशन में हम लोग स्टोरी को एंजॉय करने से ज़्यादा कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं, कुछ लर्निंग ले सकते हैं कि जिन चीज़ों से हमें डर लगता है, अगर हम उसको एक बार कर लेते हैं तो हमारा जो डर है वो क्या हो जाता है, दूर होता है। और वो डर कब दूर होता है, हमारे अटैम्प्ट से, हमारे ट्राई करने से। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट यूज टू ऑफ इट। अब आदत ये है ना कि हम लोगों की सबसे बुरी आदत है कि हम लोग खुद कभी करते ही नहीं हैं। आप याद करो, जब फर्स्ट टाइम आपको चलने के लिए सिखाया गया होगा तो आपको कैसे कि बाबू मेरे हाथ में टॉफ़ी है, आओ ले लो, इस तरह से। और आपको क्या कहा गया होगा, किस तरह से, कि आपके जो पेरेंट्स वो अपने आँखों को बंद कर लेते थे और हाथ में टॉफ़ी या फिर बिस्किट या फिर रोटी या कुछ भी लेकर के कहते थे, मेरा बाबू आ रहा है, आ रहा है, कुछ इस तरह से बुलाते थे। और कुछ इस तरह से आप चलने के लिए सीखे थे, मतलब कि हम लोग कोई भी काम जो है तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम लोग को कोई भी काम फोर्सफुली नहीं कराया जाए। जिस तरह से यहाँ पे जो उसके माता पिता जो थे, उन्होंने क्या किया, उसको
खाने के लिए नहीं दिया कुछ, उसकी तरफ केयर करना छोड़ दिया। केयर करना छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं था कि उसको ध्यान नहीं दे रहे थे, बस उसको रियलाइज़ करवाना चाह रहे थे उड़ने के लिए। और उसकी पेरेंट्स के पेरेंट्स ने फिर क्या उपाय लगाया, उसकी माँ ने क्या किया कि उन्होंने एक पीस का मछली का जो एक टुकड़ा था वो लेकर करके गए। उसके लालच में जो था वो क्या हो गया, उड़ने के लिए शुरू हो गया। अगर वो नहीं उस लालच में आता तो शायद वो उड़ने के लिए नहीं सीख पाता। शायद उसके माता पिता ने अगर वो स्टेप नहीं लिया होता तब भी वो उड़ने के लिए नहीं सीख पाता। तो इस स्टोरी का जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि हमें जो है मुसीबत से या कुछ भी अगर सीखना हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें अटैम्प्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फेल हो जाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम तो कर ही नहीं सकते हैं, मेरा तो हाथ कमज़ोर है, मेरा पैर कमज़ोर है, मेरा सिर कमज़ोर है, हमको तो याद ही नहीं होता। सो वी शुड नॉट थिंक अबाउट दिस थिंग्स। हम लोग को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ हमें कोशिश करते रहना चाहिए जैसा कि यंग सीगल ने किया। और अगर हम एक बार कोशिश कर लेते हैं तो फिर उस ऑक्यूपेशन में, उस वर्क में, उस एक्टिविटी में वी टेक इंटरेस्ट, फिर हम लोग को इंटरेस्ट आ जाता है। सो इस तरह से हम लोगों को इन सारे लेसन को इस लेसन में सीखने के लिए मिलता है। सो दैट वॉज इन द स्टोरी। सो इन सारे चीज़ों को अगर मिला करके हम कुछ कहना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो जिस तरह से यंग सीगल ने किया, उसने कोशिश किया और वो क्या हो गया, जीत गया। तो हमें भी जो लाइफ में है वी शुड ऑल्सो हैव दीज क्वालिटीज इन आवर लाइफ। वी हैव टू ऑलवेज ट्राई फॉर द गुड एक्टिविटीज, गुड वर्क, नॉट फॉर द बैड वन। And we should not think about anything that what will happen, I will got the success or not, I became successful or not. So these are the rubbish questions. We have to only do our work. So that was in the story. So thank you and have a nice day.